हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवाशी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, हाउ टू मेक इजी एंड क्रिस्पी मक्के की रोटी एट होम। अगर आपको घर पे ही बहुत अच्छी सॉफ्ट क्रिस्पी मक्के की रोटी बनानी है तो मैं अपनी मम्मी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी रोटी है, बिना टूटे हम ये रोटी बना सकते हैं घर पे ही, वो भी कुछ ही टाइम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले 1.5 कप मक्के का आटा लेना है। आप 1.5 कप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर लीजिए और मक्के का आटा ले लीजिए और इस मक्के के आटे को आप छान लीजिएगा। मैंने छान रखा है ऑलरेडी और इसे परात में कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक 1/2 टेबल स्पून। नमक ऐड करने के बाद 1 बिग ग्लास बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी लेना है हमें, सादा पानी नहीं लेना है। और पहले मक्के के आटे में आप नमक अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि नमक उस आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम नॉर्मल आटा नहीं गूंद रहे हैं, हमें मक्के का आटा गूंदना है, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। और आपको बहुत ही स्लोली स्लोली करके थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको डो बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो देख सकते हैं आप, पहले मैं थोड़ा सा पानी डाला, उसको थोड़ा थोड़ा सा डो बनाया, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करा और अब मैं फिर से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूंगी। इसे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से आप गूंदेंगे, जिससे कि डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने। जितना ज्यादा सॉफ्ट डो होगा उतनी ज्यादा रोटियां अच्छी बनेंगी। तो आप इसे बहुत ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, देखने में ही सॉफ्ट लग रहा है। तो आप जब इसे गूंदेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि आटा कितना ज्यादा अच्छे से मतलब गूंदा जाएगा। अगर आप इस आटे को अच्छे से नहीं गूंदेंगे तो रोटी बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगी। और आप देख रहे हैं कि बार बार मैं धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रही हूँ, उसमें एक साथ पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए, वरना ये आटा खराब हो जाएगा। और आपको क्या करना है, 1/2 आटा आप हटा दीजिए साइड में, 1/2 आटा साइड में हटाने के बाद 1/2 आटे को पानी फिर से उसमें थोड़ा सा लगाइए और अच्छे से उसे मसलिए। देखिए जैसे ये ऐसे करके आपको इसको अच्छे अच्छे से मसलना है खूब आटे से, जिससे आटा जितना ज्यादा आप मसलेंगे उतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा उसका डो। और खूब अच्छे से आपको अपने हथेली से इसको प्रेस करना है पीछे की साइड और फिर इसको वापस से आगे लेना है, फिर हथेली से पीछे प्रेस करना है और इससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो बन जाएगा। और ऐसे ही करना है, हमने 1/2 इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि हम 2 पार्ट्स में से इजिली बना पाएंगे। और अब ये जो 1/2 डो मैं बना रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसकी रोटी बहुत अच्छी और फूली फूली बनेंगी। और अब मैं इसकी लोई बना लेती हूँ, ठीक है? अब हम इसकी लोई बनाएंगे। देखिए लोई बनके तैयार हो गई है। मैं आपको 2 तरीके से रोटी बनाना सिखाऊंगी। पहला, पटे की सहायता से हमारी लोई बन चुकी है। और अब इस लोई पे मैंने देखिए हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर लिया है और अब हम पटे से इसको लोई को बनाएंगे बिना किसी पन्नी की हेल्प से या बिना किसी बेलन की हेल्प से। तो पहले आप इसे हल्का हल्का हाथ से ही प्रेस कर लीजिए, लोई थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए। और आप पटे पे थोड़ा सा मक्के का आटा आप लगा दीजिए। मक्के का आटा पटे पे लगाने से रोटी इस पे चिपकेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सूखा मक्के का आटा उस पे डाल दीजिए। और अब आप ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, आपको अपनी उंगलियों से इस लोई को प्रेस करना है धीरे 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 करके, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आराम आराम से धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे इसे राउंड राउंड हाथ से घुमाते रहिए और उंगलियों से आप इसे प्रेस करते रहिए। हमें ना तो किसी बेलन की जरूरत पड़ेगी इसे बेलने के लिए और ना ही किसी पन्नी की जरूरत पड़ेगी। बहुत लोग मक्के की रोटी पन्नी यूज करके बनाते हैं लेकिन उससे रोटी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है जितनी हाथों से बनती है। तो आप देखिए उंगलियों से ही प्रेस कर करके मैं इस रोटी को बड़ा कर रही हूँ। तो उंगलियों से ही आपको प्रेस करते रहना है और धीरे 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 करके आपको इस रोटी को आपको बड़ा करना है। और देखिए ये रोटी कितनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और जब तक ये पूरे बड़े साइज में नहीं हो जाती है, क्योंकि मोटी रोटी भी अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए उंगलियों से प्रेस कर करके ये कितनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है? और अभी भी थोड़ा थोड़ा साइड से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं। और अब देखिए रोटी बिल्कुल गोल गोल बनके तैयार हो चुकी है और पतली भी हो गई है और ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, आप देखिएगा। अब देखिए जो इसके किनारे हैं ये थोड़े थोड़े से फट रहे हैं, तो हम इस पे हल्का हल्का सा पानी लगा के इसके किनारों को जोड़ देंगे, जिससे कि रोटी पूरी राउंड शेप में हो जाएगी। हल्के हल्के से किनारे अगर फट जाते हैं तो आप इसको हल्का हल्का सा पानी लगा के जोड़ दीजिए। और अब ये रोटी पूरी गोल बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे पटे से हटाएंगे कैसे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, पटा उठाना है एक साइड से और एक साइड हाथ लगाना है और उस हाथ पे अपनी रोटी ले लेनी है। और ये देखिए पूरी साबित रोटी आपके हाथ में आ चुकी है, ना कहीं से टूटी है ना फटी है और ये बहुत ज्यादा खाने में टेस्टी लगती है। आप इसे तवे पे
डाल दीजिए रोटी को और गैस ऑन कर दीजिए। एक चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि रोटी जब भी बनाएं हमेशा लो फ्लेम पे बनाएं। और इसको अब देखिए रोटी को मैंने डाल दिया, इस पर अब हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे जिससे रोटी चिपकेगी नहीं तवे पे। बहुत ही हल्का हल्का सा हाथों पे पानी लेके उंगलियों से इस पे लगा देंगे। खूब अच्छे से रोटी पे पानी लगा दीजिए, हल्का हल्का से ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। और अब हम इसको पलट देंगे क्योंकि रोटी एक साइड से थोड़ी थोड़ी सी स्टिक चुकी है। और दूसरी साइड भी आपको हल्का हल्का सा पानी लगाना है रोटी पे, ज्यादा पानी ना लगाएं, सिर्फ हल्का हल्का सा लगाएं जिससे कि वो तवे पे चिपके ना और आपकी रोटी बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ज्यादा खाने में टेस्टी और सॉफ्ट हो। तो हल्का हल्का सा पानी दूसरी साइड भी लगा दिया है और अब आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी हल्की हल्की सिक गई है। मैं इसे लो फ्लेम पे सेक रही हूँ, आप लोग भी इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं सिकती है, तो थोड़ा टाइम देके बनाइएगा। और आपको हल्का हल्का से इसे प्रेस करिए। और अब हम इस पे घी लगाएंगे, आपके घर में घी हो आप घी लगाइए, बटर लगाइए, ऑयल लगाइए, जो भी आप यूज करते हो, बट घी के बिना मक्के की रोटी का टेस्ट नहीं आता है क्योंकि मक्के की रोटी सरसों के साथ खाई जाती है और मक्के की रोटी बिना घी के तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसे देखिए दोनों साइड से इस पे घी अच्छे से लगा रही हूँ। तो आप भी घी लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हो। और ये देखिए मैंने रोटी को अच्छे से पकड़ के पूरी रोटी पे घी लगा दिया है दोनों साइड में। आप भी अच्छे से रोटी पे घी लगा दीजिए और घी लगा के ही इसे सेकिए। अगर आप लोग घी यूज नहीं करते हैं तो जो भी ऑयल या फिर बटर जो भी यूज करते हैं वो लगा के और फिर हल्के हल्के हाथों से आपको इसको प्रेस करना है, धीरे 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 सेकना है आपको, बिल्कुल दोनों साइड से अच्छी तरीके से रोटी सिक जाए, कच्ची ना रहे। अगर कच्चा रहेगा तो आटा आपके मुंह में कच्चा कच्चा आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पे खूब अच्छे से सिकने दीजिए जब तक कि रोटी खूब अच्छे से सिक ना जाए। और आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड तरीका। देखिए हमने लोई बना ली है, अब हम बनाएंगे हाथ से रोटी, बिना पटे बेलन पन्नी की सहायता से, सिर्फ हाथ से। अब आप ध्यान से देखिए कैसे बनानी है। आपको दोनों हथेलियों के बीच में लोई लेनी है और इसे धीरे 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 करके आपको इसको बड़ा करना है अपनी हथेली और उंगलियों की सहायता से। आपको कोई पन्नी नहीं लेनी है, कुछ और कोई चीज का यूज नहीं करना है, सिंपल। देखिए हथेलियों को थोड़ा सा आप टाइट कर लीजिए अपनी उंगलियों को और दोनों हथेलियों को के बीच में आपको रोटी की लोई रखनी है और उसको हल्का 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 प्रेस करते हुए आपको एक हाथ से दूसरे हाथ पे लेते हुए इस लोई को बड़ा करने की कोशिश करनी है। और देखिए मैंने ये रोटी इतनी बड़ी कर ली है। अब जब आपके हाथ पे चिपकने लगे तो आप इस पे हल्का सा पानी लगा सकते हैं। मैं हल्का सा पानी लगा रही हूँ क्योंकि हल्का हल्का सा हाथ पे चिपकने लगी थी। तो जब भी हाथ पे हल्का हल्का सा चिपके, हल्का सा पानी, बिल्कुल एक दो बूंद पानी लगा लीजिए और फिर से इसको बड़ा करिए। देखिए धीरे 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 करके दोनों हाथों के बीच में लोई रखिए और धीरे धीरे करके उसका साइज बड़ा करिए रोटी का। और ये धीरे धीरे करके बड़ी पूरी साइज की रोटी बन जाएगी। और देखिए रोटी पूरी गोल बड़े साइज में बन गई है, बिल्कुल हाथों से दबा दबा के। आप एक हाथ से दूसरे हाथ पे जब भी ये रोटी लेंगे तो हल्का हल्का सा इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा और धीरे 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 करके ये रोटी बड़ी हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा और फटेगी भी नहीं। तो देखिए पूरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। और सेम सेकने का तरीका वही है, लेकिन हम इसे तवे पे डालकर और जो इसके कॉर्नर्स हल्के हल्के से फट रहे हैं रोटी के, देखिए हल्का हल्का सा किनारा, तो इस पे पानी की बूंद लगा के हम इससे कॉर्नर्स को जोड़ देंगे। हल्का हल्का सा पानी की बूंद लगा दीजिए और इससे जोड़ दीजिए। वैसे तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो हल्का हल्का सा पानी लगा के आप इसे जोड़ दीजिए। और अब इसको पलट दिया हमने और हल्के हल्के से सेकना है आपको, बिल्कुल हल्के हल्के से इसको प्रेस करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रोटी सेकनी है, तेज पे ना सेकें, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकते हुए। मैं फिर से कहूंगी आप घी, बटर या जो भी ऑयल अपने घर में यूज करते हैं उसका यूज करके आप रोटी सेक लीजिए। मैं इसमें घी का यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ घी यूज करा जाता है, इसलिए हम मक्के की रोटी पे घी लगा के खाएंगे क्योंकि मक्के की रोटी घी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद आता है घी का रोटी के ऊपर लगाने से। और देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से घी लगा दिया है, आप भी दोनों साइड रोटी पे अच्छे से घी लगा लीजिए और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से धीरे धीरे करके सेकने दीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको प्रेस करना है, आपको इसको बहुत ज्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से प्रेस करिए और गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, ज्यादा तेज फ्लेम पे मत सेकिएगा। और देखिए ये बिल्कुल एकदम सिक के तैयार हो गई है गरम गरम रोटी,
बस इसको और थोड़ा साइडों से पकने देते हैं, हल्का हल्का साइडों से, ये कच्ची है, हल्का हल्का साइडों से और होने देते हैं। और आप देख सकते हैं एकदम गरम गरम बढ़िया मक्के की रोटी बनके तैयार हो गई है। आप इसे किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट है। आप भी ट्राई करिए घर पे और बनाइए। एंड गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब शिवाची 2815। मेरे और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवाशी 2815। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज सब्सक्राइब शिवाशी 2815। थैंक यू।